हाय गाइस, सो अभी तक हमने क्या किया है, हमने लीनियर रिग्रेशन सीखा है, ओके okay? और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सीखने वाले हैं पॉलीनोमियल लीनियर रिग्रेशन, ओके। सो यू ऑलरेडी नो कि अगर तुमको 2D डेटा के ऊपर, एज इन देन यू हैव वन इनपुट कॉलम वन आउटपुट कॉलम, इसके ऊपर अगर तुमको कभी भी लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करना है, तो इट्स बेसिकली फाइंडिंग आउट दिस लाइन, राइट, द बेस्ट फिट लाइन, जिसका इक्वेशन होता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ओके हमें ये निकालना होता है, और इसमें भी हम लोग को स्पेसिफिकली m और ये c कैलकुलेट करना होता है। सो मैंने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया, y इज इक्वल टू बी नॉट या बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स, ओके। सो यहाँ पे बीटा वन एक्स, बीटा वन इज द स्लोप एंड बीटा नॉट इज द इंटरसेप्ट वैल्यू, ओके। अब व्हाट इफ मेरे पास 2D से ज्यादा डेटा है, लेट्स से 3D है या 4D है या हायर डायमेंशन में है, तो वहां पर भी प्रिंसिपल एग्जैक्टली सेम है। अगर आप 2D में लाइन निकाल रहे हो तो आप 3D में प्लेन निकालोगे, 4D में हाइपर प्लेन निकालोगे, ओके। और उसका इक्वेशन यू ऑलरेडी नो इज दिस। सो अगर एक एन डायमेंशनल प्लेन के लिए आपको लीनियर इक्वेशन करना है, तो यू विल अप्लाई दिस फॉर्मुला, बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन, दिस इज द फर्स्ट डायमेंशन, बीटा टू एक्स टू, एक्स टू इज द सेकंड डायमेंशन, बीटा थ्री एक्स थ्री, एक्स थ्री इज द थर्ड डायमेंशन, और ये बीटा नॉट, बीटा वन, बीटा थ्री, ये सारे हमारे वेट के वैल्यूज हैं, राइट, ये हमारे सारे कोफिशियंट्स हैं, ओके। एंड इसी को हम बोलते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, व्हेन वी हैव मोर देन वन इनपुट कॉलम्स, ओके। सो ये तो हमने पहले से कर रखा है, इसके ऊपर हमने कोर्स भी कर लिए। अब लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, लीनियर रिग्रेशन इज ऑल अबाउट लीनियर डेटा, मतलब जब आपका रिलेशनशिप इज काइंड ऑफ लीनियर, ओके। नाउ इमेजिन कि आपके पास एक ऐसा डेटा है जो एसेंशियली खुद में ही नॉन लीनियर है। सो यहां पर अगर लाइंस ड्रॉ करने का ट्राई करो, कैसा भी लाइन आप ड्रॉ करने का ट्राई करो, दीज लाइंस विल नॉट परफॉर्म दैट वेल, बिकॉज एक्चुअल नेचर ही नहीं है डेटा का कि वो लीनियर है, राइट। तो यहां पर लीनियर रिग्रेशन फेल करता है, फेल करने का मतलब है रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते, क्लोज टू रियलिटी नहीं आते, और यहीं पर आपको हेल्प करता है पॉलीनोमियल रिग्रेशन। सो पॉलीनोमियल रिग्रेशन इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ लीनियर रिग्रेशन, जहां पे आप एट द एंड लीनियर रिग्रेशन ही अप्लाई कर रहे हो, सेम प्रिंसिपल से अप्लाई कर रहे हो, आप यही कोफिशिएंट्स निकाल रहे हो, बट आप क्या कर रहे हो, आप डेटा में पॉलीनोमियल टर्म्स ऐड कर दे रहे हो। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, लेट्स से आपके पास एक डेटा है एक्स और वाई का, बेसिकली एक इनपुट कॉलम एक आउटपुट कॉलम, सो दिस वुड बी द डेटा, राइट। सो नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन में आप क्या करोगे, ये एक्स और ये वाई को आप ट्रेनिंग डेटा के एज ट्रेनिंग डेटा भेज दोगे एल्गोरिथम में, बट आप यहां पे क्या करते हो पॉलीनोमियल रिग्रेशन में, आप इसका पॉलीनोमियल फीचर्स एक्सट्रैक्ट करते हो, ओके, इन द प्री प्रोसेसिंग स्टेज। उसका मतलब ये है कि आप x से ये कैलकुलेट करोगे, लेट्स से आपको डिग्री 2 का पॉलीनोमियल बनाना है, लेट्स से आपको डिग्री इज इक्वल टू 2 का पॉलीनोमियल बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप इसको एक्स जीरो एक्स वन और एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर दोगे। सो आप x का हर वैल्यू लोगे, उसे तीन चीजें कैलकुलेट करोगे, x की पावर 0, लेट्स से पहला रो में ये था 35 और y में था 100, लेट्स से, ओके, दिस इज एन एग्जांपल। तो आप सबसे पहले कैलकुलेट करोगे ये x की पावर 0, सो ये आ जाएगा 1, फिर आप ये कैलकुलेट करोगे, ये आ जाएगा 35, फिर आप ये कैलकुलेट करोगे और ये आ जाएगा 35 का स्क्वायर, लेट्स से इनको पता नहीं है पर लेट्स से मैंने लिख दिया 1225, ओके। और फिर मैं यहां पर y डाल दूंगा, सो ये जो शेप था अपना 1/2 का, अब ये शेप बन गया 1/4 का, ठीक है। सो आपने आपका आपके पास अगर डिग्री इज इक्वल टू 2 था, तो आपने ये कैलकुलेट किया फॉर एवरी रो, ओके। और अब आप क्या करते हो, ये नया जो आपका डेटा है, इसको आप ट्रेनिंग के लिए भेजते हो और आप अपने मॉडल को ट्रेन करते हो, और ये जो एक्स्ट्रा पॉलीनोमियल फीचर्स है ना, ये वाले, these features actually try to you know extract this relationship, this non-linear relationship, okay? So इसका formula कैसा हो जाता है फिर, इसका formula हो जाएगा y is equal to, again this is for 2D, beta naught plus beta 1 x plus beta 2 x square, this will be the this is linear, simple linear regression, this is simple polynomial regression, okay? अब एक दो चीजें और डिस्कस करते हैं, जैसे कि व्हाट इफ मैं डिग्री 3 कर दूं, व्हाट इफ डिग्री 3, इन दैट केस व्हाट यू विल डू इज यू विल फाइंड आउट वन मोर टर्म एक्स क्यूब एंड देन वाई, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने 4 कर दिया, तो यू विल फाइंड आउट वन मोर टर्म एक्स क्यूब पावर 4, ओके। अब यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो डिग्री का वैल्यू सेट करना है, ये कैसे पता चलेगा कि कितना सेट करना है, क्योंकि ये हमें सेट करना पड़ता है, बिकॉज दिस थिंग इज अ हाइपर पैरामीटर, दिस थिंग इज अ हाइपर पैरामीटर, सो ये मशीन लर्निंग इंजीनियर का काम है कि वो सही वैल्यू प्रिडिक्ट करे, ओके। अब द प्रॉब्लम विद दिस वैल्यू इज कि अगर आप इसको बहुत कम रखो, तो हो सकता है ये ग्राफ
अंडरफिट कर जाए, मतलब सारी प्रॉपर्टीज सारे एट्रीब्यूट स्ट्रेच ना कर पाए, ओके, या ट्रू रिलेशनशिप नहीं निकाल पाए। बट अगर आप बहुत ज्यादा कर दो, जैसे आपने 15 कर दिया, तो फिर ये कुछ ऐसा दिखने लगता है, इट ट्राइज टू टच एवरी पॉइंट और फिर ओवरफिटिंग हो जाता है। सो इसका मतलब फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ डिग्री दिस एंटायर मेथड टेंड्स टू अंडरफिट, एंड फॉर हायर वैल्यूज ऑफ डिग्री दिस मॉडल ट्राइज टू ओवरफिट। सो आपको बीच में कोई ऑप्टिमम वैल्यू निकालना पड़ता है, ठीक है? आई गेस ये वाला पॉइंट क्लियर है। नाउ व्हाट इफ आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, x1, x2 और y, लेट्स आपके पास दो कॉलम्स हैं, इन दैट केस आपका इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगा? आप टर्म्स ऐड कर दोगे फॉर एवरी वन, सो यू विल राइट बीटा 3 x2 प्लस बीटा 4 x2 होल स्क्वायर, आपका ऐसे चेंज हो जाएगा। सो फॉर एवरी एडिशनल कॉलम यू विल डू इट अगेन एंड अगेन, ओके, एंड दैट इज हाउ यू डू इट गाइस, दिस इज व्हाट पॉलीनोमियल रिग्रेशन इज। नाउ पीपल समटाइम्स आस्क दिस क्वेश्चन इन इंटरव्यूज कि ऑल्दो यहां पर एक्स के साथ वी हैव अ हायर डिग्री रिलेशनशिप वाई और एक्स का, वाई डू वी कॉल इट अ लीनियर रिग्रेशन, क्योंकि बोला जाता है पॉलीनोमियल रिग्रेशन इज एसेंशियली लीनियर रिग्रेशन। सो द रीजन फॉर दैट इज कि हम लोग एक्चुअली जब लीनियर रिग्रेशन का बात कर रहे हैं तो हम वाई और इन कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप सोच रहे हैं, क्योंकि हम एट द एंड x1 x2 ये सब तो हमारे पास पहले से होता है, हम ये निकाल रहे होते हैं, ये कोफिशिएंट्स निकाल रहे होते हैं, और इन कोफिशिएंट्स का डिग्री अगर आप देखो इट्स स्टिल 1, तो वाई और इन कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप इज स्टिल लीनियर, ओके, एंड दैट इज वाई वी कॉल दिस रिलेशनशिप और दिस रिग्रेशन टू बी लीनियर रिग्रेशन। सो इट्स पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, हम लोग नेक्स्ट एक कोड देखेंगे जहां पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक नॉन लीनियर डेटा जनरेट करेंगे और फिर हम उसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन, नॉर्मल सिंपल लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करेंगे, एंड वी विल सी कि रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आ रहे, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके ऊपर पॉलीनोमियल रिग्रेशन अप्लाई करना, पहले छोटी डिग्री से, फिर हम लोग बड़ी डिग्री की तरफ जाएंगे, और फिर आई विल शो यू कि कैसे एक पॉइंट तक यू नो एरर्स ठीक हो रहे हैं और फिर थोड़े दिन के बाद ओवरफिटिंग होने लग जा रहा है, ओके। सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट दैट वी डू ऑन द लैपटॉप। सो गाइज दिस इज द कोड, मैंने ऑलरेडी ये कोड कर रखा है क्योंकि अगर मैं साथ में करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बहुत ही सिंपल कोड है, मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूँ। सबसे पहले इस सेल में हमने सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली। सेकंड सेल में मैंने डेटा सेट जनरेट किया, सो ये डेटा जनरेट करने का कोड है, और हमारा जो डेटा है उसके अंदर का इक्वेशन ये है। इस इक्वेशन से मैंने अपना डेटा सेट जनरेट किया है, सो इट इज अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 2, y इज इक्वल टू 0.8 एक्स स्क्वायर प्लस 0.9x प्लस 2, ठीक है, और साथ में कुछ रैंडम नॉइस ऐड किया सो दैट पॉइंट थोड़े ऊपर नीचे हो, ठीक है। अब मेरा काम है या मेरे लीनियर मॉडल का काम है ये कोफिशिएंट्स निकालना, एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट, एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट, और ये इंटरसेप्ट टर्म मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। बाय द वे मेरा डेटा इस पॉइंट पे कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, दिस इज माय डेटा। अब मैं पहले आपको नॉर्मल वाला लीनियर रिग्रेशन लगा के दिखाऊंगा और फिर मैं दिखाऊंगा कि अगर आप पॉलीनोमियल लीनियर रिग्रेशन लगाओगे तो क्या होता है, ठीक है। सो सबसे पहले ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लेते हैं और उसके बाद लीनियर रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट बनाया, मॉडल को ट्रेन किया एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के ऊपर, और फिर हमने आर टू स्कोर कैलकुलेट किया, एंड द आर टू स्कोर इज कमिंग आउट टू बी 0.22। ऑब्वियसली बहुत अच्छा नहीं है, और उसका रीजन ये है कि अगर आप प्लॉट करके देखो रिग्रेशन लाइन को और अपने डेटा को, तो यू कैन क्लियरली सी कि इस नॉन लीनियर कर्व के लिए ये लाइन बिल्कुल भी सही तरीके से काम नहीं कर पा रही, ठीक है, बिकॉज एसेंशियली आपका डेटा नॉन लीनियर है और आप उसको जस्टिफाई करने का ट्राई कर रहे हो यूजिंग अ लाइन, तो सही रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम पॉलीनोमियल लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करेंगे, इसका मतलब पहले हम अपने फीचर्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे यूजिंग पॉलीनोमियल फीचर्स, ठीक है। सो ये एक क्लास है जो आपको scikit-learn में मिलता है, दिस प्री प्रोसेसिंग के अंदर आपको क्या करना है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, मैं उसको पोली बोल रहा हूँ। यहाँ पे आप दो एक चीज बताते हो, वो ये है कि आपके पॉलीनोमियल का डिग्री कितना होगा, ठीक है। सो अगर आप डिग्री 2 दोगे तो फॉर एवरी कॉलम इन योर इनपुट यू विल गेट 3 कॉलम्स। अगर आपके इनपुट में एक कॉलम है तो उस एक कॉलम से 3 कॉलम बन जाएगा। सो अगर आपका इनपुट कॉलम इज एक्स
तो आपका आउटपुट विल बी एक्स टू दी पावर 0, एक्स टू दी पावर 1 एंड एक्स टू दी पावर 2, ठीक है। सो अब मैंने क्या किया, पोली के अंदर फिट ट्रांसफॉर्म में एक्स प्लेन को पास किया और सिमिलरली एक्स टेस्ट को पास किया, एंड नाउ आई कैन शो यू मेरा, अगर आप एक्स ट्रेन का बात करो जो मेरा ओरिजिनल डेटा था, और अगर मैं अपने वाई एक्स ट्रेन ट्रांसफॉर्म का बात करूं, तो यू कैन सी ये था ओरिजिनल डेटा, ये था एक्स टू दी पावर 0 जो कि हमेशा 1 होगा, ये है एक्स टू दी पावर 1 मतलब जो डेटा है वो एज इट इज रिटर्न हो जाएगा, और ये है आपका एक्स स्क्वायर, सो इसका स्क्वायर ये रहा, ठीक है। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि आप पॉलीनोमियल फीचर्स सिर्फ इनपुट के ऊपर अप्लाई करोगे, आउटपुट एज इन वाई के ऊपर अप्लाई नहीं करते, ठीक है। हाँ, आपको ये ख्याल रखना है कि आपको ट्रेन और टेस्ट दोनों के ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर एक चीज और है कि अगर आप चाहो तो यहां पर एक इंक्लूड बायस टर्म है जिसका बाई डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू होता है, अगर आप इसको फॉल्स कर दोगे तो फिर एक पर्टिकुलर इनपुट से दो ही आपको कॉलम्स मिलेंगे, एक होगा x टू द पावर 1 और एक होगा x टू द पावर 2, x टू द पावर 0 वाला टर्म नहीं आएगा। लेट मी शो यू, अगर मैं फिर से इसको रन करूं, अब देखो सिर्फ दो ही टर्म्स आ रहे हैं, सो दिस इज x टू द पावर 1 एंड दिस इज x टू द पावर 0, इंटरसेप्ट वाला टर्म आपने हटा दिया, बायस वाला टर्म आपने हटा दिया, तो इट डिपेंड्स, फिलहाल मैं रख रहा हूं, फिलहाल मैं इसको ट्रू कर रहा हूं, इसको ट्रू करने से आई विल ऑल्सो गेट द बायस वाला टर्म। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो इक्वेशन क्रिएट किया है उसमें बायस का टर्म है, दैट इज वाई, ठीक है। इन रियल लाइफ सिनेरियो आप श्योर नहीं होंगे, आप दोनों चीजें ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। एनीवेज, अब आफ्टर डूइंग दिस हमारे पास हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों है, अब हम फिर से मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, इस बार हम एक्स ट्रेन ट्रांसफॉर्म को भेज रहे हैं और वाई ट्रेन जैसे पहले भेजा था वैसे ही भेज रहे हैं। मॉडल ट्रेन हो गया, वाइब्रेट हमने कैलकुलेट किया एक्स टेस्ट ट्रांसफॉर्म के ऊपर, और अब हमारा आर टू स्कोर अगर आप देखो तो इट इज कमिंग आउट टू बी 0.81, सो यू कैन सी बहुत सडनली से यू आर गेटिंग अ बिग इंप्रूवमेंट इन योर मॉडल, ठीक है। अगर आप कोफिशियंट्स का बात करो तो ये रहे आपके कोफिशियंट्स और इंटरसेप्ट, ठीक है, ये रहे आपके कोफिशियंट्स एंड इंटरसेप्ट, ठीक है। सो इसमें से ये वाला है आपका इफ आई एम करेक्ट एक्स स्क्वायर का, ये है एक्स वन का, और ये है आपका एक्स टू द पावर 0 का, ठीक है, और ये है आपका इंटरसेप्ट टर्म। सो अगर आप ऊपर जाओ तो एक्स स्क्वायर के साथ हमारा जो टर्म था वो 0.8 था, और एक्स के साथ जो टर्म था एज एन एक्स की पावर 1 के साथ जो टर्म था वो 0.9 था, हमारा इंटरसेप्ट वैल्यू 2 था, ठीक है। और वही हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर आप नोटिस करो तो यू कैन सी कि हमारा 0.83 आ रहा है 0.8 के बदले, 0.89 आ रहा है 0.9 के बदले, और 1.98 आ रहा है 2 के बदले, ठीक है। तो यू कैन सी हमारा मॉडल हमारे एक्चुअल इक्वेशन के थोड़ा क्लोज पहुंच पा रहा है, परफेक्ट क्यों नहीं आ पा रहा, बिकॉज यहाँ पे एक रैंडम नॉइस है, बिकॉज ऑफ दिस रैंडम नॉइस हम एग्जैक्टली ये चीज नहीं निकाल सकते, नॉट पॉसिबल, ठीक है, बट हम बहुत क्लोज पहुंच पा रहे हैं। अगर मैं उस चीज का आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाऊं तो दिस इज द ग्राफ, एंड वी आर गेटिंग सम एरर बिकॉज ऑफ हमने ये सेल नहीं रन किया, और अब रन करने पे यू कैन सी ये जो कर्व है ना ये बहुत क्लोज है इस डेटा के एक्चुअल इक्वेशन के। रैंडमनेस तो है क्योंकि हमने रैंडम फंक्शन यूज किया है पॉइंट्स को ऊपर नीचे करने के लिए, बट जो ट्रू एसेंस है मेरे डेटा का वो समझ पा रहा है पॉलीनोमियल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप डिग्री को बढ़ाते हो, ठीक है, अगर आप डिग्री 3 करते हो या 4 करते हो या उससे ज्यादा करते हो तो क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं, मैंने एक फंक्शन बना रखा है, इसमें बस आपको डिग्री प्रोवाइड करना है और ये आपको एंड में पूरा ग्राफ प्लॉट करके देगा, ठीक है। सो इस फंक्शन को मैं एक बार रन कर रहा हूं और मैं स्टार्ट करता हूं 3 से, सो यू कैन सी 3 और 2 में बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, एक्सेप्ट थोड़ा सा ज्यादा कर्वी नेचर आपको दिखाई देगा, ठीक है। इनफैक्ट आपको 4 में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं फील होगा, बट जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे आप एक डिफरेंस नोटिस करने लगोगे। मैंने 6 डाला तो भी कुछ खास नहीं है, मैंने 10 डाला, लेट्स सी क्या होता है। यू कैन सी थोड़ा सा अब एक
इरेगुलर बिहेवियर इंड्यूस होना शुरू हो गया एंड की जगह पे, ठीक है। अगर हम इसको 15 करें तो यू कैन सी अब कई कई जगह से आपका जो मॉडल है वो ट्रेनिंग डेटा के ऊपर ज्यादा रिलाई करने लग रहा है। अगर ट्रेनिंग डेटा में जरा भी मूवमेंट है तो आपका कर्व उसको पकड़ने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसको 25 करें, यू कैन सी बहुत बारीक बारीक चीजों को पकड़ने लग जा रहा है, ठीक है। मैं इसको 50 करता हूं, यू कैन सी अब ये अपने ट्रू एसेंस से थोड़ा दूर भाग रहा है और ट्रेनिंग वाले पॉइंट्स को एज इट इज पकड़ने का ट्राई कर रहा है, या इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि अब ये डेटा में जो पैटर्न्स हैं उसको रटने का ट्राई कर रहा है रादर देन गोइंग फॉर द ट्रू एसेंस ऑफ द डेटा। इस सिचुएशन को ओवरफिटिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर आप इसको बहुत बढ़ा दो लाइक 350 तो आपका कर्व बहुत ज्यादा ट्राई करेगा कि आप डेटा को एकदम एज इट इज पकड़ने का ट्राई करो, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ये मॉडल आपका जनरलाइज नहीं करेगा। जनरलाइज करने का मतलब जब आप इसको नया डेटा दोगे, मतलब यहां पर अगर आप नोटिस करो जो ग्रीन पॉइंट्स हैं ये आपका टेस्ट डेटा है और आपका जो ब्लू पॉइंट्स हैं वो ट्रेनिंग डेटा है, ठीक है। तो आपका जो मॉडल है वो ट्रेनिंग वाले डेटा को बहुत वैल्यू कर रहा है और उसको मैप करने का ट्राई कर रहा है, बट उसके पीछे जाने के चक्कर में हो सकता है कि आप ग्रीन वाले पॉइंट्स पे सही तरीके से कन्वर्ज ना कर पाओ। और ग्रीन वाले पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं क्योंकि वही टेस्ट डेटा है, उसी से आपका R2 स्कोर या एरर निकलेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट इसको ओवरफिटिंग बोलते हैं। इस प्रॉब्लम के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में और आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे, बट इन शॉर्ट आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आप पॉलीनोमियल रिग्रेशन लगा रहे हो तो सही डिग्री पे आके रुक जाना है, ठीक है। कैसे करोगे ये काम, ये आपको थोड़ा बहुत ग्राफ प्लॉट करने से समझ में आएगा अगर आप 2D के केस में काम कर रहे हो, बट अगर आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ इनपुट कॉलम्स हैं इन दैट केस आपको क्रॉस वैलिडेशन एरर एज इन R2 स्कोर वगैरह निकाल के पता चलेगा। एंड एक दो ग्राफ्स और होते हैं जो इस तरह के सिचुएशन में आपको हेल्प करते हैं, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। उनको लर्निंग कर्व्स बोला जाता है, वो आपको हेल्प करेंगे टू आइडेंटिफाई द राइट नंबर ऑफ डिग्रीज टू बी अप्लाइड ऑन अ डेटा सेट, ठीक है। इस पॉइंट पे बस आपके लिए समरी इतना है कि अगर आप बहुत कम रखते हो डिग्री तो अंडर फिटिंग होता है, मतलब आपका मॉडल ना ट्रेनिंग डेटा के ऊपर अच्छे से पैटर्न्स खोज पाता है और ना ही टेस्ट डेटा के ऊपर, ठीक है। बट अगर आप डिग्री को बहुत हाई कर दो तो फिर आपका मॉडल ट्रेनिंग डेटा को बहुत वैल्यू करने लगता है और ट्रेनिंग डेटा के छोटे छोटे पैटर्न्स को भी पकड़ने लग जाता है, ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है क्योंकि टेस्ट डेटा में अगर वो पैटर्न्स नहीं हुए तो आपका रिजल्ट आपका स्कोर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इस डेटा पे जो ऑप्टिमम नंबर ऑफ डिग्री है वो 2 है, क्योंकि इस डेटा का जो क्रिएशन हुआ तो उसका क्रिएशन ही हुआ है एक 2 डिग्री पॉलीनोमियल से, तो बेस्ट डिग्री 2 ही रहेगा। बट आगे जब आप रियल लाइफ सिनेरियो में काम करोगे, रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स के ऊपर काम करोगे, तब वहां पे अंडरलाइंग इक्वेशन जो है वो आपको पता नहीं होगी, वो छुपा हुआ होगा, तो ये काम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये तो बात हो गई कि जब आपके पास सिर्फ एक इनपुट कॉलम है और एक आउटपुट कॉलम है, ठीक है, यहां पर ऐसा ही है, आपके पास सिर्फ एक इनपुट कॉलम है एक्स और एक आउटपुट कॉलम है वाई, तो इन शॉर्ट ये सिंपल पॉलीनोमियल लीनियर रिग्रेशन है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपके पास एक से ज्यादा इनपुट कॉलम्स हुए तो आप क्या कर सकते हो। सो गाइज, ये रहा कोड मल्टीपल पॉलीनोमियल लीनियर रिग्रेशन का। यहाँ पे मेरे पास जो डेटा है इसमें 2 इनपुट कॉलम्स हैं और एक आउटपुट कॉलम है। एज यू कैन सी मेरे पास एक्स पहला इनपुट कॉलम है, वाई दूसरा इनपुट कॉलम है और ये रहा मेरा जेड, जिसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने ये पॉलीनोमियल इक्वेशन यूज किया है। दिस इज अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 2। सो यहाँ पे जो इक्वेशन मैंने यूज किया है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 0.2 टाइम्स एक्स प्लस 0.2 टाइम्स वाई प्लस 0.1 टाइम्स एक्स वाई प्लस द कॉन्स्टेंट टर्म 2, ठीक है। और साथ में थोड़ा सा हमने रैंडम नॉइज भी डाला है सो दैट थोड़ा सा पॉइंट्स ऊपर नीचे हो जाए। सो दिस इज द डेटा दैट वी हैव, और अगर मैं इसको प्लॉट करके दिखाऊं 3D में तो दिस इज द प्लॉट, सी दिस इज द डेटा, दिस इज द डेटा इन 3D, ठीक है। सो सिंस ये स्क्वायर का टर्म है, यू कैन सी ये थोड़ा सा पैराबोला टाइप का दिखाई दे रहा है इन 3D, ठीक है।
आई होप आपको डेटा का सेटअप समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम दो स्टेप्स में काम करेंगे। पहले मैं आपको सिंपल मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन लगा के दिखाऊंगा, जहां पर हम एक प्लेन के थ्रू इस डेटा को मैप करने का ट्राई करेंगे और फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है हम वो देखेंगे और फिर हम इसके ऊपर पॉलीनोमियल रिग्रेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो ये रहा कोड। यहाँ पे मैंने सिंपल वाला लीनियर रिग्रेशन लगाया है, एज इन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन लगाया है विदाउट एनी पॉलीनोमियल फीचर्स। इस पॉइंट पे कोड इज नॉट इम्पॉर्टेंट ऑनेस्टली, बिकॉज ये पूरी चीज मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ सो दैट आप 3D में विजुलाइज कर पाओ जो आपने 2D में सीखा, क्योंकि एक बार अगर आप 3D में विजुलाइज कर लेते हो तो 4D और उसके ऊपर वाले डायमेंशन के लिए सोचना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे डोंट वरी अबाउट द कोड, ये कोड मैं आपको दे दूंगा, आप इसके साथ बैठ करके आराम से एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो। ट्रस्ट मी, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट पीस ऑफ कोड। ठीक है, नाउ मैंने जैसे ही लीनियर रिग्रेशन अप्लाई किया, यू कैन सी दिस इज द लीनियर रिग्रेशन का आउटपुट। ठीक है, सो मेरा लीनियर रिग्रेशन इस प्लेन से इस पॉइंट्स को, सेट ऑफ पॉइंट्स को जस्टिफाई करने का ट्राई कर रहा है, एंड क्लियरली यू कैन सी दिस इज नॉट अ गुड रिजल्ट, बिकॉज डेटा में एसेंशियली नॉन लीनियरिटी है और आप एक लीनियर सरफेस से उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो यू कैन सी बहुत सारे पॉइंट्स के लिए आपका एरर विल बी टू हाई एंड दिस शोस कि ये सही नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, हम पॉलीनोमियल फीचर्स अप्लाई करेंगे। सो मैंने वही किया है आगे के कोर्स में। सो आई विल स्टार्ट विथ डिग्री टू के लिए मैं स्टार्ट करूंगा और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके पॉलीनोमियल फीचर्स वाली क्लास में। सो यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट कि कितने इनपुट फीचर्स के ऊपर आप काम कर रहे हो, हमारे केस में दो, एक्स और वाई, और उनसे कितने आउटपुट फीचर्स बने। ठीक है, हमारे केस में इट वुड बी 6, और हर फीचर कैसे बना ये आपको दिखाई देगा। लेट मी शो यू। सो अगर मैं रन कर रहा हूँ, यू कैन सी कि मेरा जो इनिशियल फीचर है दैट इज 2, और उससे पॉलीनोमियल फीचर्स ने 6 फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए। ठीक है, और कैसे एक्सट्रैक्ट किए, यूजिंग दिस रूल। ठीक है, आई कैन एक्चुअली शो इट टू यू, बहुत इजी है ये कि देखो यहाँ पे जो पहला टर्म निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है x की पावर 0 और y की पावर 0 से, मतलब दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे और ये कांस्टेंट टर्म की बात हो रही है। ठीक है, ये टर्म है x की पावर 1 और y की पावर 0, मतलब x वाले टर्म के लिए है। ठीक है, इस टर्म के लिए आई शो यू जस्ट वन सेकेंड, ये इस वाले टर्म की बात हो रही है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं नीचे जाऊं तो जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज x टू द पावर 0 y टू द पावर 1, तो दिस इज y का टर्म, दिस इज x टू द पावर 2 y टू द पावर 0, मतलब दिस इज x स्क्वायर वाला कोफिशिएंट, देन वी हैव x की पावर 1 y की पावर 1, दिस इज x y वाला कोफिशिएंट, एंड देन वी हैव x की पावर 0 y की पावर 2 एज इन y स्क्वायर वाला कोफिशिएंट। आई होप आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो शायद, या फिर आपको पहले से पता होगा इसका आंसर, बट मैंने जब फर्स्ट टाइम किया था मेरे दिमाग में एक स्टूपिड क्वेश्चन आया था कि दोनों का 2 वाला टर्म क्यों नहीं है, x की पावर 2 और y की पावर 2। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप x की पावर 2 और y की पावर 2 लोगे तो डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल विल बी 4। ठीक है, हम डिग्री 2 की बात कर रहे हैं और डिग्री 2 हमेशा दोनों के टर्म्स को जोड़ के 2 या 2 से कम होना चाहिए, तो ये सिर्फ वही वाले केसेस है। ठीक है, इसीलिए x की पावर 2 y की पावर 1 भी नहीं है क्योंकि उसमें 3 हो जाता। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, हमने सबने बचपन में मैथ्स में पढ़ा था कि डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल कैसे कैलकुलेट होता है, सारे टर्म्स की पावर को आप जोड़ देते हो वही आपका डिग्री होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वही आपका डिग्री होता है। इस केस में सिंस द डिग्री हैज टू बी 2, द मैक्सिमम दैट यू विल गेट आफ्टर एडिंग दीज टू टर्म्स विल बी 2, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास ये 6 टर्म्स है, ये 6 कोफिशिएंट्स हमें निकालने हैं। ठीक है, और मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया अपने इनपुट स्पेस को, और अब अगर मैं आपको दिखाऊं लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करके, दिस इज द आउटपुट, सी दिस इज द आउटपुट, ये है डिग्री 2 टर्म के लिए। सो यू कैन सी कुछ कुछ जगहों से आप ऊपर उठ रहे हो, कुछ कुछ जगहों से नीचे उठ रहे हो, और अगर आप डिग्री बढ़ाते हो, लेट्स से आप डिग्री आप 6 करते हो, क्योंकि 3 में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, मैंने चला के देख लिया, 6 करते हो
यू कैन सी, अब आपको दो के लिए 28 आउटपुट मिल रहे हैं, ठीक है, और ये रहे वो सारे कॉम्बिनेशंस, मैक्सिमम विल बी 6, उससे ज्यादा नहीं होगा, और अगर मैं बाकी सेल्स को रन करूं, सो यू कैन सी काइंड ऑफ ओवरफिटिंग हो रहा है, ठीक है, आप कुछ कुछ पॉइंट्स को कैप्चर करने के चक्कर में अपना जो जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है, जैसे यहाँ पर यू कैन सी इन दो पॉइंट्स को कैप्चर करने के लिए ये पर्टिकुलर नोड ऊपर चला गया, ठीक है, ये डिसीजन सरफेस ऊपर चला गया, एंड यू कैन सी बहुत ट्राई कर रहा है आपके डेटा के हिसाब से आपका मॉडल एडजस्ट करने का, ठीक है, और उस चक्कर में ऑब्वियसली कोई फायदा नहीं है, दिस इज अ केस ऑफ ओवरफिटिंग, इतना ज्यादा आपको जाना नहीं चाहिए। अगर मैं थोड़ा और बढ़ा के आपको दिखाऊं, लेट से मैं लिख लूं, आई डोंट नो, 30 डिग्री 30, सो नाउ 496 टर्म्स विल बी देयर, बहुत ज्यादा है आई नो, बट एक बार देखते हैं, एंड यू कैन सी द डिसीजन बाउंड्री लुक्स ब्यूटिफुल, मतलब दिस इज अ ब्यूटिफुल लुकिंग कर्व, ठीक है, बट यू कैन क्लियरली सी दिस इज ट्राइंग टू ओवरफिट, ये जो पॉइंट है ये इन तीनों को पकड़ने का ट्राई कर रहा है, और यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, मतलब आप जनरल फॉर्म नहीं पकड़ पा रहे हो, आप इंस्टेड ट्राई कर रहे हो डेटा के स्पेसिफिक पैटर्न्स को पकड़ने का, विच इज नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज अगर आपके पास नया डेटा आएगा तो आपका रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया 3D में भी ये पूरी चीज कैसे काम कर रही है, मैंने आपको 2D भी दिखाया, मैंने आपको 3D भी दिखाया, एंड दैट्स इट, दैट इज हाउ पॉलीनोमियल लीनियर रिग्रेशन वर्क्स। एक दो और पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं, वो हम डिस्कस करते हैं।